नमस्कार। कमेटी के सभी सम्मानित सदस्यगण और सभी साथियों, गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व का यह अवसर एक आध्यात्मिक सौभाग्य भी है और एक राष्ट्रीय कर्तव्य भी है। इसमें हम अपना कुछ योगदान दे सके, ये गुरु कृपा हम सब पर हुई है। मुझे खुशी है कि हम सब देश के सभी नागरिकों को साथ लेकर के अपने इन प्रयासों को आगे बढ़ा रहे हैं। अब यहां गृहमंत्री जी ने नेशनल इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर कमेटी के विचारों को हमारे सामने प्रस्तुत किया। जो भी सुझाव आए थे उसको रखा गया था। प्रेजेंटेशन में भी पूरे साल के कार्य योजना के संबंध में एक लचीली रूपरेखा थी, जिसमें काफी सुधार की भी संभावनाएं हैं, नए नए विचारों के भी संभावनाएं हैं। आप सदस्यों की ओर से भी बहुत ही बहुमूल्य सुझाव मिले हैं, बहुत मौलिक सुझाव मिले हैं। और ये बात सही है कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने इस अवसर का लाभ लेते हुए हमारे देश का जो मूल चिंतन है उसको लोगों तक पहुंचाने का ये हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है। वैसे ही समिति में आज यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में सभी माननीय सदस्य हैं, सबको अपनी बात बताने का अवसर नहीं मिला है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि सभी माननीय सदस्य इन विचारों को लिखित रूप में भेजेंगे ताकि इसको और समृद्ध बनाया जा सके और हम अच्छी कार्य रचना करके साल भर के लिए इस काम को आगे बढ़ा सकें। साथियों, बीती 4 शताब्दियों में भारत का कोई भी कालखंड, कोई भी दौर ऐसा नहीं रहा जिसकी कल्पना हम गुरु तेग बहादुर जी के प्रभाव के बिना कर सकते हो। नवम गुरु के तौर पर हम सभी उनसे प्रेरणा पाते हैं। आप सभी उनके जीवन के पड़ावों से परिचित हैं, लेकिन देश की नई पीढ़ी को इनके बारे में जानना, उन्हें समझना भी उतना ही जरूरी है। साथियों, गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु तेग बहादुर जी और पूरी गुरु गोविंद सिंह जी तक हमारी सिख गुरु परंपरा अपने आप में एक संपूर्ण जीवन दर्शन रही है। ये सौभाग्य है कि गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व, गुरु तेग बहादुर जी की 400वीं जयंती और गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व मनाने का अवसर हमारी सरकार को मिला है। पूरा विश्व अगर जीवन की सार्थकता को समझना चाहे तो हमारे गुरुओं के जीवन को देख बहुत आसानी से समझ सकता है। उनके जीवन में उच्चतम त्याग भी था, तितिक्षा भी थी। उनके जीवन में ज्ञान का प्रकाश भी था, आध्यात्मिक ऊंचाई भी थी। साथियों, गुरु तेग बहादुर जी ने कहा है, सुखो दुखो दोनों सम करी जाने और मानु अपमान, अर्थात सुख दुख मान अपमान इन सब में एक जैसा रहते हुए हमें अपना जीवन जीना चाहिए। उन्होंने जीवन के उद्देश्य भी बताए हैं, उसका मार्ग भी दिखाया है। उन्होंने हमें राष्ट्र सेवा के साथ ही जीव सेवा का मार्ग दिखाया है। उन्होंने समानता, समरसता और त्याग का मंत्र हमें दिया है। इन्हीं मंत्रों को खुद जीना और जन जन तक पहुंचाना
ये हम सबका कर्तव्य है। साथियों, जैसी यहां चर्चा भी हुई, 400वें प्रकाश पर्व पर सब साल भर पूरे देश में आयोजन होने चाहिए और विश्व में भी हमें अधिकतम लोगों तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। सिख परंपरा से जुड़े जो भी तीर्थ स्थान हैं, जो श्रद्धा स्थल हैं, वो इन गतिविधियों को और ऊर्जा देंगे। गुरु तेग बहादुर जी के शब्द, उनके रागों का भजन, उनसे जुड़ा साहित्य, सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये जन जन को प्रेरणा देंगे। इसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग होने में और उससे ये संदेश पूरे विश्व में नई पीढ़ी तक आसानी से पहुंच पाएगा। और मुझे खुशी है कि आज अधिकतम सदस्यों ने ये डिजिटल टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम उपयोग करने के सुझाव रखे हैं। ये अपने आप में बदलते हुए भारत की तस्वीर भी है। हम सभी इन सभी प्रयासों में हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ना है। साथियों, इस पूरे आयोजन में हमें गुरु तेग बहादुर जी के जीवन और शिक्षाओं के साथ ही समूची गुरु परंपरा को भी विश्व तक ले जाकर लेकर के जाना चाहिए। किस तरह पूरी दुनिया में आज सिख समुदाय के लोग और हमारे गुरुओं के हम सब करोड़ों अनुयायी उनके पदचिन्हों पर चल रहे हैं, कैसे सिख समाज सेवा के इतने बड़े बड़े काम कर रहा है, कैसे हमारे गुरुद्वारे मानव सेवा के जागृत केंद्र हैं, ये संदेश हम अगर पूरे विश्व तक लेकर जाएंगे तो हम मानवता को बहुत बड़ी प्रेरणा दे सकेंगे। मैं चाहूंगा कि इस पर शोध करके इसे डॉक्यूमेंटेड भी किया जाए। हमारे ये प्रयास आने वाली पीढ़ियों का भी पथ प्रदर्शन करेंगे। यही गुरु तेग बहादुर जी समेत सभी गुरुओं के चरणों में हम सबकी श्रद्धांजलि होगी, एक प्रकार से कार्यांजलि भी होगी। ये भी अहम है कि इसी महत्वपूर्ण समय में देश आजादी का अमृत महोत्सव भी मना रहा है। हमारी आजादी को 75 वर्ष हो रहे हैं। मुझे विश्वास है गुरु आशीर्वाद से हम अपने हर आयोजनों में जरूर सफल होंगे। आप सबके उत्तम सुझावों के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं और आने वाले समय में भी आपका सक्रिय सहयोग इस महान परंपरा को आने वाली पीढ़ियों तक ले जाने में बहुत बड़ा योगदान देगी। मैं इस पावन पर्व में गुरुओं के सेवा का जो हमें सौभाग्य मिला है, ये हम सबका गौरव है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।